सबको मेरा नमस्कार। मैं हूँ ममता, उड़ीसा से। और ये मेरा छोटा सा बगिया है जिसमें मैं बहुत सारे साग लगा रखी हूँ। और ये जो साग है इसका नाम तो मुझे हिंदी में पता नहीं, लेकिन उड़िया में उसको मदरंगा साग बोलते हैं। और ये जो है ये कमल साग है, तो ऐसे इस तरह ये भी और एक साग है। तो और भी साग मैं लगाई हूँ, और मैं उसको 1.5 महीने से लगा रखी थी और 2 बार हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ और ये 3री बार है। वो थोड़ा ब्रांच थोड़ा बड़ा हो गया है, तो क्योंकि मैं वीडियो बनाने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए इसको रखी थी, इतने टाइम छोड़ रखी थी, तो उसको आज मैं हार्वेस्टिंग करूँगी और इसी में कुछ बनाकर आपको दिखाऊँगी ओडिया डिश के साथ। और इस साग में साग का बहुत गुण है, और इसमें आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम भी ज़्यादा मिलता है। उसको खाने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है और दृष्टि शक्ति भी ज़्यादा होता है। और उड़िया जो पखाल दही पखाल है उसके साथ में मैं डिश आज आपको दिखाने के लिए इस साग को रखी थी। 15 दिन हो गई है। और भी साग है, उसको भी कड़म साग है, उसको भी मैं हार्वेस्टिंग करूँगी। और ये मेरा बगिया है जो हमारे घर के हमारे घर है उसके पास आसपास जो घर है, किसी के छत पे भी एक भी पौधा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादा बंदर आते हैं। एक बार में 50-60 बंदर आते हैं तो सब तोड़ फोड़ कर लेते हैं। उसका तो काम ही ऐसा है, जो खाते हैं खाते हैं, नहीं तो भी तोड़ फोड़ कर देते हैं। और मैं उसको प्लास्टिक नेट लगा कर रखी हूँ डोरे की, तो प्लास्टिक डोरे के नेट लगा कर रखी हूँ, फिर भी बंदर का डर नहीं जाता है। ये मेरा नींबू का पत्ता है, उसको भी मुझे चाहिए, जो मैं आज उसको भी तोड़ रही हूँ। और जो ये जो भिंडी दिखाई थी एक बार, भिंडी तो एक ही पौधा मेरे गार्डन में अभी है, वो अपने आप ही उगा था, मैं उसको नहीं लगाई थी। तो उस भिंडी को भी दिखाऊंगी। और एक जो ये मेरा पौधा है, बहुत सारा जो तुलसी का पौधा है, तुलसी पौधा के अंदर ही एक मिर्ची का पौधा है, उसी से मैं भी हार्वेस्टिंग करके ले लूँगी। फिर इसको धोकर अच्छे से उसको देखा, उसका कीड़ा मकोड़ा कुछ है कि उसको सब देख लिया, फिर उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया। और ये प्याज, लहसुन और टमाटर और ये भिंडी, ये एक बरी है हमारे उड़ीसा में, उसको ज़्यादा खाते हैं। और उसको बनाऊंगी, फर्स्ट में बरी को फ्राई करूंगी, इसलिए मैं धीमी आंच पर थोड़ा सा कढ़ाई में तेल डालकर उसको बड़ी को मैं थोड़ा सा हल्का से फ्राई करूँगी। और इस बड़ी को मैं निकालूँगी, क्योंकि उससे मुझे चूरा बनाना है। तो अभी हो गया, तो उसको मैं निकाल रही हूँ और फिर कढ़ाई रख दूँगी गैस के ऊपर। उसमें फिर रिफाइंड डालूँगी और उसके उसी में थोड़ा जीरा, सरसों जीरा और सूखा लंका, उसको सूखा मिर्चा उसको डालूँगी, उसको फ्राई करूँगी। और फ्राई करने के बाद वो जब पक जाए तो उसमें प्याज डालूँगी। और प्याज फ्राई होने के बाद अभी मैं प्याज डालूँगी, वो रेडी हो गई है। और अभी देखो मैं प्याज ही डालूँगी उसमें, और थोड़ा पक लूँ। हाँ, प्याज डाली, फिर उसको थोड़ा फ्राई करूँगी 1 मिनट। उसके फिर फ्राई करने के बाद वो जब थोड़ा हल्का सा नमी आ जाए, तो उसी में मैं मेरे जो रखी हूँ थोड़ा हल्का हल्का क्या बोलते हैं उसको, लहसुन को जो मैं थोड़ा हल्का पीसा था उसको मैं डाल दी। और जो ये है ग्रीन चिल्ली, और 2 ग्रीन चिल्ली उसी में मैं डाली। फिर उसको फ्राई करूँगी, जब फ्राई अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद मैं उसी में
मेरा जो कटा हुआ साग है, टमाटर है, सॉरी कटा हुआ टमाटर है उसको मैं डालूँगी। जब टमाटर पक जाए तो उसको भी एक मिनट पकाऊंगी, उसके बाद ही जो थोड़ा नमी आ जाए तो उसी में मैं साग को डालकर साग बनाऊंगी। वो बहुत टेस्टी है, इस साग तो बहुत टेस्टी लगता है और बहुत स्वाद है इसमें, और इसमें आयरन, प्रोटीन और कैल्शियम भी ज़्यादा मात्रा में मिलता है, तो हम लोग ज़्यादा खाते हैं। फिर ये साग जो बाहर से हम नहीं खरीदते, क्योंकि बाहर या भी ज़मीन पर जहाँ पर भी उग जाता है तो जो बेचते हैं तो कहीं कहीं से तोड़ के उसको लाते हैं, तो इसलिए अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं सोचा कि मेरे कुछ नहीं हो तो मेरे बगिया में थोड़ा इसी साग को लगा दूँ, उसको तो बंदर नहीं खाएंगे, तो इसलिए मैं उसी को लगाई थी और उसको मैं साग भी डाल दिया। जब साग अच्छे से बन जाएगी तो फिर और कुछ दिखाऊंगी। थोड़ा सा नमक भी डालूंगी, लेकिन खाद तो नमक के बिना स्वाद नहीं है और स्वादिष्ट नहीं बनता है, तो अभी थोड़ा नमक डालूंगी। और उसका जो ब्रांच थोड़ा हार्ड हुई थी ना, इसलिए मुझे साग तो साग जब बनाते हैं तो ढांकना नहीं चाहिए, लेकिन अपने आप बन जाते हैं। लेकिन अब मैं थोड़ा एक प्लेट ढांकूंगी, क्योंकि जो उसका जो ब्रांच है ना, वो ब्रांच थोड़ा हार्ड हो गई थी, इसलिए उसको मैं थोड़ा एक प्लेट ढांक लूँगी। जब अब मैं वो जब जब तक वो रेडी होगा तो अभी मैं जो बड़ी का चूरा दिखाऊंगी। तो फिर बड़ी को मैं पका कर रखी थी, बड़ी और लहसुन, चिल्ली, ग्रीन चिल्ली और थोड़ा सा नमक डाल के उसको मैं पीस रही हूँ। उसको दर दर पीसा करूँगी, ज़्यादा चूना नहीं बनाऊँगी, चूरा नहीं बनाऊँगी, तो दर दर पीसा करके उसको मैं रखूँगी प्लेट पर निकल कर। हाँ, एक बात भी भूल गई, जो बड़ी में थोड़ा सा सरसों का तेल भी डालते हैं, तो मैं अभी जब चूरा बन जाए तो थोड़ा सरसों का तेल हल्का सा डालूँगी, उसको मिक्स करके फिर निकाल दूँगी। अब हो गया हमारा बड़ी का चूरा, वो बहुत टेस्टी है, और एक बार बना कर खाओ तो देखोगे वो बहुत टेस्टी है। और मैं निकाल रही हूँ, फिर अभी मैं देखूँगी मेरा साग कहाँ तक गया, तो उसको थोड़ा हाथ से देखूँगी वो हुआ कि नहीं, किसी उसका जो ब्रांच थोड़ा हार्ड हुई थी इसलिए, नहीं तो अब पक जाना था उसको, लेकिन देखूँगी फिर। हाँ, वो थोड़ा और भी और थोड़ा टाइम लगेगा, एक मिनट, और फिर उसे और एक बार थोड़ा ढांक दूँगी। अब बन गया मेरा साग, एक मिनट इसको हल्को ऐसे ही फ्राई करूँगी, आँच को थोड़ा बढ़ा दिया फिर फ्राई करूँगी। अब बन गया मेरा साग, अब रेडी खाने को रेडी है, और अब मैं उसको एक प्लेट को निकाल दूंगी। सब निकाल दूंगी और उसी कढ़ाई में, और मैं जो भिंडी लाई थी उस भिंडी को भी हल्का सा तेल डालकर उसको सिर्फ फ्राई कर दूंगी, नमक डाल के और कुछ नहीं। और वही जो भिंडी था मेरी, एक ही पौधा था उसी में तीन भिंडी लाई थी मैंने, और उसी को मैं काट कर उसी कढ़ाई में फ्राई कर दूँगी। और पहले से मैं मछली पका कर रखी हूँ, आज संडे है तो संडे का तो हमारे यहाँ नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं, तो मैं मछली भी पका कर रखी हूँ। ये मेरा चावल है, जो चावल को जो दही पखाल बनाते हैं तो एक दिन पहले ही चावल को
पकाकर उसी में पानी डालकर रखते हैं, लेकिन मैं नहीं रखी थी। और आज मैं चावल बनाया और उसे को ठंडा करके उसमें पानी डाल दी, फिर उसके दही आड़ के, फिर स्वाद अनुसार नमक और जो नींबू का पत्ता लाई थी हार्वेस्टिंग करके, वो पत्ता को भी मैं उसी में डालूँगी क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। उसको भी छूंक लगाऊंगी तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम तो उड़िया में उसको डंकी बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, करचूला शायद। और उसी में मैं तेल डाली, जीरा, सरसों, एक सूखा मिर्चा, उसको डाल कर फ्राई कर दूँगी, फिर दो ग्रीन चिल्ली, फिर जो करी पत्ता, मीठा नीम बोलते हैं जो करी पत्ता, उसको फ्राई करूँगी। और छोटा सा जो जगह है इसलिए थोड़ा अच्छे से नहीं हो रहा है, तो फिर भी अच्छा मानना है तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हो गया, अब उसको पखाल में डाल दूँगी। हाँ हो गया, थोड़ा सा और हल्का हल्का फ्राई होना है। अब रेडी है, अब मैं डालूँगी पखाल के ऊपर। जो दही पखाल है तो उड़ीसा का वो ये फेवरेट खाना है, इसको जो भी एक बार खाएगा तो कभी ज़िंदगी भर भूलेगा नहीं। और आप लोग भी एक बार बना कर खाओ इसी को दिखाने के लिए। और ये है अदरक, इसमें जो कच्चे आम का जो फ्लेवर है उसी आम को भी डालते हैं, उसी अदरक भी डालते हैं, लेकिन मेरे पास तो अभी नहीं था, जो मैं अदरक था उसी को मैं डाल दी। और मेरा एक दिन पहले का पखाल नहीं है तो इसलिए थोड़ा खट्टा लगना चाहिए, तो इसलिए मैं उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया। अब बन गया दही पखाल। अभी दही पखाल, बड़ी चूरा, मछली और साग, इसके साथ खाओ तो ज़िंदगी भर भूल नहीं पाओगे। ये उड़ीसा का फेवरेट डिश है, आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए मेरे चैनल पर। बहुत सुंदर है, बहुत टेस्टी भी है, और एक बार बनाकर खाना चाहिए।